करना चाहेंगे कि इस फिल्म से जुड़ने के पीछे आपका आज क्या मेन मकसद है? हाँ हो रहा है देखिए, इस फिल्म से जुड़ने के पीछे मकसद साफ थे कि जो जिस तरीके फिल्म पहले ये मलयालम में बनी थी, राजेश पिल्ले ही उसके डायरेक्टर थे उससे, और सबसे पहले मुझे फिल्म दिखाई गई थी तभी से निर्णय लिया था कि इस फिल्म को मैं का ज़रूर हिस्सा बनेंगे। न सिर्फ फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी और फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई थी, बहुत ही फास्ट पेस्ड एक थ्रिलर की तरह से है जिसमें कि बहुत ही सीरियस बात हो रही है उसके कहानी के बीच में, कि एक हार्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और जिस तरह की ट्रैफिक की समस्या रहती है उसके बीच से ट्रैफिक वालों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से इसको उसके मकाम तक पहुंचाना, उसको ये पूरी जर्नी है जो अपने आप में काफ़ी रोमांचक है। कहीं भी फिल्म आपको सोचने का मौका नहीं देगी या आराम करने का मौका नहीं देगी। ये जो इसकी जो तेज़ गति थी और जो फिर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल का किरदार है, जिस तरह की उसकी अपनी कहानी है, पर्सनल कहानी है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। दिव्या जी, आप एक मदर का किरदार निभा रही हैं इस फिल्म में, जैसा ट्रेलर देखकर, तो वो निभाना कैसा रहा और बिटिया जिसको हार्ट चाहिए उसके बारे में? आजकल अगर आप देखेंगे अखबार की सुर्खियों में ये खबर आती रही है कि यहाँ से कहीं और लेकर जाया गया है और इसे रोड से लेकर जाया गया और ट्रैफिक पुलिस ने और पाकिस्तान ने मदद की थी इसको लेकर जाने की। तो आई एम ग्लैड कि ये फिल्म बन चुकी थी ऑलरेडी जब ये अखबार की सुर्खियाँ पड़ी, और इस फिल्म को मलयालम में बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिले थे और बहुत बड़ी हिट भी थी। राजेश पिल्ले मेरे हिसाब से एक उनके अंदर एक इनोसेंस थी चाइल्ड लाइक, जो एक सिंसेरिटी थी, जैसा मनोज ने अंदर कहा था कि उनको अगर कहें कि ये कल कर लें तो कहते थे चलते हैं, रात तक शूट करेंगे फिर अगले दिन भी कर लेंगे, तो यूज़ टू आस्किंग के सोना नहीं है कि आपको घर जाके। सो ही वॉज दैट पैशनेट अबाउट मेकिंग दिस फिल्म एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो हमारा ये देख रहे हैं, अपनी फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं। एंड आई रियली विश कि ये फिल्म बहुत, जैसा आप लोगों ने यहाँ पर इतना अच्छा रिसेप्शन दिया है, सो थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ फिल्म, ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम। माँ का रोल करना एक बहुत आई थिंक इमोशनल जर्नी रही मेरे लिए, सारा जो मेरा था वो हॉस्पिटल से आई वॉज वेरी डिस्टर्बिंग एंड सो या इट वॉज आई वुड से जितना मैं डिस्टर्ब हूँ उतना शायद अच्छा दैट्स लुकिंग नाइस एंड आई रियली थिंक इट्स अ वेरी सैटिस्फाइंग जॉब इज मैन। मनोज आपने कैसे इंस्पायर किया ये जो आपने इससे आपने ट्रेनिंग ली, आपने बातचीत किया रहेगा ये? नहीं, एक कांस्टेबल है जो मुंबई का है और मुंबई में जितने भी अपने कांस्टेबल आप देखेंगे वो कहीं ज़्यादातर लोग जो है छोटी छोटी जगहों से आते हैं महाराष्ट्र के, तो उनकी बातचीत को, उनके लहजे को पकड़ना, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी अपनी जो निजी ज़िंदगी है जो कांस्टेबल है और जिस किन तकलीफ में काम करता है वो, उसके साथ क्या क्या परेशानियाँ होती है हम लोग ये जानते नहीं हैं, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए आपको वो सब भी देखने को मिलेगा, उसकी परिवार की स्थिति, उसकी अपनी प्रोफेशनल जो क्राइसिस होती है वो क्या है और कैसे वो जॉब पे वापस जाता है, कैसे उसको ऐसा जॉब मिलता है जो कि या तो उसको फिर से जॉब से बाहर कर देगा या हमेशा के लिए उसको उसका नाम उसको दे देगा। तो ये इस तरह की कहानी है और इस और जितने भी किरदार जुड़े हों, चाहे दिव्या का हो, चाहे प्रसन्नजीत चटर्जी का, चाहे परमव्रत का, ये और भी बहुत सारे जो नए नए कलाकार हैं इनमें उनकी अपनी जो कहानी है, सब आकर के इस यात्रा से जुड़ जाती है, इस जर्नी से जुड़ती है कि हार्ट को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाना है और सारी की सारी ज़िंदगी एक जगह जुड़ करके और इस हार्ट को की जो यात्रा है उसको अंतिम मकाम तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या वो होता है कि नहीं होता है और क्या क्या परेशानियाँ होती हैं बीच में, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक परेशानियाँ हैं जो ट्रैफिक के लोग जो रोज़ हर 15 दिन में ये देखते हैं। मुझे कमिश्नर साहब कह रहे थे कि ऑर्गन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जो प्रक्रिया है ये हर 10-15 दिन में इन लोगों को करनी पड़ती है। इस फिल्म के ज़रिए आपको पता चलेगा कि इन लोगों की मशक्क़त क्या होती है, इनकी परेशानी क्या होती है। हम लोग गाड़ी चलाते हुए हम कभी सोच नहीं पाते हैं कि कोई ऑर्गन एम्बुलेंस से जा रहा है तो उसके पीछे कितना दिमाग, कितनी परेशानी, कितनी ऊर्जा लगती है। मनोज, हाल ही में आपने शॉर्ट फिल्म की थी 2014 का, मैं ट्रैफिक पढ़ रही हूँ जब मैं रिसर्च कर रही हूँ 2016, ये दो सालों का अंतर क्यों आ गया? जी, इस 2 सालों का अंतर मैं बता रहा हूँ। पहले तो 1 साल फिल्म को हम पूरे तरीके से, जैसा मैंने कहा कि राजेश पिल्ले जिस तरह की फिल्म वो बना चुके थे फिर उसमें बहुत सारा वो बदलाव भी करना चाह रहे थे,
फिल्म में, तो उन्होंने पूरे एक साल लिया इस फिल्म को पूरा करने में। फिर एक साल जो परेशानी आजकल हुई है कि हर फ्राइडे को 6 फिल्में, हर फ्राइडे को 5 फिल्में, तो हम कहीं ना कहीं वेट करते रहे राइट समय का और राइट अपॉर्चुनिटी का। हम इस फिल्म को वेस्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसमें जो सबसे दुखद घटना ये हुई कि जब फिल्म तैयार है लोगों तक पहुंचने के लिए, तो उसे बनाने वाला हमारे बीच नहीं, राजेश पिल्लई। आज ये फिल्म को इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे दुख बहुत ज़्यादा है, दिव्या को भी उतनी ही ज़्यादा दुख होगी कि किसी भी कास्ट को, लेकिन उसके साथ साथ एक संतोष ज़रूर है कि राजेश पिल्लई की फिल्म आज रिलीज होने की अपनी यात्रा की तरफ है, विच इज़ फैंटास्टिक। कमिश्नर साहब, आपने बताया कि आप मनोज वाजपेयी के पहले से ही फैन रहे हैं, 20-22 साल की जर्नी है, कोई पर्टिकुलर डायलॉग आपको याद आता है इनको देख करके, सत्या का या किसी फिल्म का? डायलॉग तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट एक ही बात कहूँगा कि ट्रैफिक ड्यूटी के लिए इनको हमने आज से मुकर्रर कर दिया है। ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रैफिक पुलिसमैन विद अस नाउ। देखिए, पूरी कहानी को सबकी जीवन, जितने भी किरदार हैं इसमें, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं जो आप देखेंगे। ये ट्रेलर जो आपने देखा है ये कुछ नहीं है, जब आप फिल्म देखेंगे तो और भी रोमांचक, क्योंकि ऑर्गन अब डेड होने से पहले उसे किसी की जगह तक पहुंचाना है, इससे बड़ा रोमांचक कुछ हो नहीं सकता है। तो उसमें ड्रामा उसके रोमांच से आ रहा है, उसको क्रिएट करने की कोशिश नहीं की गई। मुझे तो राजेश पिल्लई की जो बात याद आती है कि जहाँ भी जाते थे वो प्रॉन खोजते थे कि यहाँ प्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी गांव में भी शूटिंग करते थे हम किसी, क्योंकि अगर देखा होगा कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाती थी हम लोग फिर खाना खाने के लिए पूरी बेस कैंप बनता था, तो वहाँ पर प्रॉन ज़रूर खोजते थे वो कि यहाँ प्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो खाने के समय में ही वो आदमी आराम करता था और खाना खाते समय वो खाना इंजॉय करता था वो आदमी। तो राजेश पिल्लई की ये बात मुझे कभी नहीं भूलती कि चाहे वो हैदराबाद में हमने शूटिंग की हो, चाहे हमने पुणे में शूटिंग की हो या मुंबई में की हो, प्रॉन हमेशा होना चाहिए था उनके खाने में। नहीं, बेहतर तीनों जो मलयालम है जो पहले बनी थी, जो सुपर हिट हुई थी, जो तमिल जो बनी थी उसके बाद, वो एग्जैक्टली वही थी और ये भी फिल्म ऑलमोस्ट वही है। थोड़ा बहुत बदलाव हमने ज़रूर किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हिंदी का जो कि हिंदी की ऑडियंस की जो अपना एक्सपोजर है वो अलग है, उनकी सेंसिबिलिटी थोड़ी सी अलग है फिल्म देखने की, और फिल्म देखने का एक संस्कृति है तीनों जगहों पे अलग अलग है, तो उसके हिसाब से चीज़ों को बदलना पड़ता है। मनोज, इस सबसे एक हटके सवाल, आजकल ब्रांड एंडोर्समेंट को लेके बहुत विवाद चल रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक सिफारिश की है कि जो ट्रैफिक से जुड़ी हुई बात है कि नहीं बताइए, ट्रैफिक से जुड़ी बात नहीं है तो मुझे कमिश्नर साहब के साथ में नाश्ता कर देखिए, पूरी फिल्म में एक गाड़ी में बैठ करके स्टेयरिंग घुमाना है, और स्टेयरिंग घुमाते हुए उसके बाद जो दो और किरदार हैं उनके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब साइलेंस इस फिल्म में मेरा ज़्यादा है, मेरे डायलॉग बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा बहुत ना के बराबर डायलॉग है, और जो डायलॉग हैं वो उन्होंने ट्रेलर में रख भी दिया है। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल कम्प्लीटली डिफरेंट, रक्षा सुरक्षा नहीं, ये पूरा नियंत्रण की बात आती है, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक नियंत्रण की बात आती है। नियंत्रण में ट्रैफिक कॉन्स्टेबल जो है वो आपकी रक्षा नहीं करता है, वो आपको एक दिशा देता है, एक नियंत्रण करता है ताकि आप अपनी रक्षा कर पाए। कमिश्नर साहब, आपने मूवी देखी कि आपने क्या डिसाइड किया कि ये तो डिसाइड पहले से हुआ है कि जहाँ तक कि हो सके मुंबई पुलिस
हर ट्रांसप्लांट के वक्त जितनी चाहे अपनी जान लगाकर कोशिश करेगी और जितनी हम लोग जान बचा पाएंगे हम लोग जरूर कोशिश करेंगे और ये तय हो गया है। ग्रीन कॉरिडोर एक कंसेप्ट है जहाँ पर किसी एक आधे पेशेंट को अगर किसी ऑर्गन की ज़रूरत है जिसके भी जान खतरे में है उसको बचाने के लिए अगर हमने को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो जितने जल्दी हो सके ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करे उसकी लाइफ, जहाँ भेजना है वहाँ का डिस्टेंस, वहाँ के डॉक्टर्स की तैयारियाँ, यहाँ के डॉक्टर्स की तैयारियाँ, जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है उसकी मना शक्ति जो है, ये सभी बातों का संगम जब एक बार होगा तभी कोई एक लाइफ बचेगा। और जिसकी जान खतरे में है, जिसके पति की जान खतरे में है, जिसके बच्चे की जान खतरे में है, वही इंसान समझ सकता है कि ट्रांसप्लांट कितना ज़रूरी है, ग्रीन कॉरिडोर कितना ज़रूरी है। दिस वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। बहुत बहुत पॉजिटिव रहेगा ये, और मेरे ख्याल से ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अगर फेस कोई बनेगा तो मिस्टर बाजपेयी विल बी द फेस ऑफ ट्रैफिक पुलिस हियर ऑनवर्ड्स। ईच वन ऑफ माय कांस्टेबल वुड लाइक टू बी लाइक हिम, इवन आई वुड लाइक टू बी लाइक हिम इफ आई कैन, दैट्स सो डिफिकल्ट। या विल बी यूजिंग हिम टू टॉक टू आवर कांस्टेबल्स एंड ट्रेन देम ऑल्सो। आई विल बी अरेंजिंग अ सेपरेट लेक्चर ऑफ मिस्टर वाजपेयी टू ऑल ओनली ट्रैफिक कांस्टेबल्स टू टेल देम हाउ इम्पोर्टेंट इज टू सेव समबडीज लाइफ। Which I hope you'll be doing. Ma'am, one question. Thank you so much. Challenges face करना पड़ा फिल्म में आपको? सबसे बड़ा चैलेंज था, हम लोग रियल हॉस्पिटल में शूट कर रहे थे और आसान नहीं होता है रियल हॉस्पिटल में शूट करना और सीन्स करना विदाउट डिस्टर्बिंग द पेशेंट्स, कमिंग अप विद दैट काइंड ऑफ इमोशन। और जो इमोशन यहाँ दिखाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इट वॉज़ वेरी क्रिटिकल,